दोस्तों सर्दियों के आते ही बाल बिल्कुल ड्राई महसूस होने लगते हैं, रूखे महसूस होने लगते हैं, ऐसा लगता है बाल फट रहे हैं, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो रही है, बाल टूट रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बालों में डैंड्रफ होने लगती है, इची स्कैल्प की प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि स्कैल्प पे खुजली की परेशानी होने लगती है, हेयर फॉल होने लगता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हेयर ग्रोथ कैसे होगी? नहीं होगी ना, जब इतनी सारी प्रॉब्लम है। तो इन सब का एक सोल्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जो कि है एक ट्रीटमेंट। वो ट्रीटमेंट है ग्लिसरीन ट्रीटमेंट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जैसे कि आप अपने फेस के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हो, उसी तरीके से आप अपने बालों को स्ट्रांग, स्मूथ, सॉफ्ट, हेल्दी बनाने के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्लिसरीन ट्रीटमेंट आपके बालों के लिए, जो कि ड्राई फ्रिजी बालों को ठीक करेगा, इची स्कैल्प डैंड्रफ को नहीं होने देगा, साथ ही हेयर ग्रोथ भी बूस्ट करेगा। वो कैसे? इस ट्रीटमेंट में आप जानोगे, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं ग्लिसरीन के साथ जो कि बालों के लिए बहुत ज्यादा है फायदेमंद। तो देर किस बात की है, आइए जल्दी से देखते हैं। दोस्तों ग्लिसरीन ट्रीटमेंट करने के लिए आपको क्या क्या करना है मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप एक कटोरी ले लो, उसमें आप डालोगे एक चम्मच ग्लिसरीन। दोस्तों ग्लिसरीन आपको मेडिकल स्टोर पे या कॉस्मेटिक शॉप पे भी आजकल आसानी से मिल जाती है, तो प्योर प्लेन ग्लिसरीन लें जिसमें कोई और इंग्रेडिएंट ना हो। तो ये ग्लिसरीन मैं ले रही हूँ। ग्लिसरीन का फायदा क्या है आपके बालों के लिए? ग्लिसरीन क्या करती है, जैसे कि हमारे चेहरे पे जब हम अप्लाई करते हैं तो मॉइस्चर देती है, हाइड्रेशन देती है, उसी तरीके से हमारे बालों में भी मॉइस्चर बनाए रखती है, बालों पे एक लेयर क्रिएट कर लेती है जो कि बालों से हाइड्रेशन जाने नहीं देता, उल्टा हवा में से मॉइस्चर लेती है और बालों को देती है, इसी तरीके से स्किन को देती है, जिससे कि हमारी स्किन और बाल स्मूथ सॉफ्ट बने रहते हैं, रूखे नहीं होते। जब हमारे बालों में हाइड्रेशन होगा तो बाल टूटेंगे भी कम, तो हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम को भी ठीक करती है, इची स्कैल्प ड्राई स्कैल्प को ठीक करती है, डैंड्रफ को भी रिमूव करती है, होने नहीं देती। और अगर आपके रूखे सूखे कर्ली बाल हैं, ड्राई डैमेज बाल हैं, तो ग्लिसरीन ट्रीटमेंट आपको जरूर करना चाहिए। तो एक चम्मच ग्लिसरीन मैंने ले ली। अब इसमें मैं डालूंगी दो चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के मैं आपको क्या बताऊं बेनिफिट, सबको पता है इतना ज्यादा फायदेमंद होता है बालों के लिए, बालों में हाइड्रेशन देता है, साथ ही इसमें ऐसे विटामिन मिनरल्स होते हैं जो बालों की ग्रोथ को भी बूस्ट करते हैं। तो दो चम्मच मैंने इसमें एलोवेरा जेल डाला। अब इन दोनों को आप अच्छे से कर लो मिक्स। मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच कैस्टर ऑयल, यानी अरंडी का तेल। आप कोई भी अपने पसंद का ऑयल डाल सकते हो, मेरा फेवरेट है कैस्टर ऑयल, मैं इसे डाल रही हूँ, ये मुझे बहुत ज्यादा सूट करता है मेरे बालों पे। तो कैस्टर ऑयल के फायदे भी आप सबको पता है, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, ड्राई फ्रिजी बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो आधा चम्मच मैंने इसको डाला, इसको भी अच्छे से कर लिया मिक्स। इन तीन इंग्रेडिएंट्स को तो आपने मिक्स कर लिया, अब मैं इसमें चौथा इंग्रेडिएंट और लास्ट इंग्रेडिएंट डालूंगी, जो कि है गुलाब जल, रोज वाटर डालेंगे। दो चम्मच रोज वाटर इसमें डालें, अच्छे से मिक्स करें, थोड़ा थोड़ा करके गुलाब जल में डालूंगी, क्योंकि फिर बाद में मिक्स नहीं हो पाता अच्छे से। दो चम्मच डाला, अच्छे से मिक्स किया, फिर से दो चम्मच डाला, फिर से मिक्स किया और फिर से दो चम्मच डाला। टोटल 6 टेबल स्पून आपको रोज वाटर इसमें डालना है, क्योंकि इसको हमें थोड़ा लिक्विडी बनाना है, जिससे कि अच्छे से हम अपने बालों पे इसको लगा सके, बालों की जड़ों में लगा सके। तो इसको इस तरीके से आपको बना लेना है जिस तरह आप देख रहे हो। तो ये एक आपका एक सीरम टाइप का तैयार होगा। इसको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर लीजिए और आप इसको स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में 1 मंथ तक के लिए, खराब नहीं होता है। तो इसको बनाओ, इस्तेमाल करो, फिर बंद करके रख दो, जितनी चाहिए क्वांटिटी निकालो, इस्तेमाल करो। दोस्तों आपने होम रेमेडी तो तैयार कर ली। इस ग्लिसरीन ट्रीटमेंट को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, आप इसको लो अपने हाथों से, फिंगर टिप से अपने बालों की जड़ों में लगाओ, बालों की लेंथ पे लगाओ और रात भर के लिए इसे अपने बालों में छोड़ दो। नेक्स्ट डे आप चाहे तो शैम्पू कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्टिकी नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरा मेथड ये है, शैम्पू करने के बाद आप इसको लगा सकते हो, जैसे आप लिवॉन या और मार्केट वाले सीरम अप्लाई करते हो उसी तरीके से हल्के सूखे बालों में अपने हाथों पे लेके अपने बालों की लेंथ पे लगा सकते हो। इससे आपके बाल मैनेजेबल बने रहेंगे, ड्राई फ्रिजी नहीं होंगे और ये एक लेयर क्रिएट कर लेगा जो कि आपके बालों को बिल्कुल भी खराब नहीं होने देगा इस विंटर के मौसम में। तो अच्छे रिजल्ट के लिए अपने घर में ये ग्लिसरीन ट्रीटमेंट करिए, घर की होम रेमेडीज इस्तेमाल करिए। अगर आप चाहते हैं आपके बाल
बाल खूबसूरत बने रहें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना। आप लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो, कमेंट करके बताना कैसी लगी, कौन कौन इसको बना के इस्तेमाल करने वाला है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा आपके बालों का टाइप क्या है। मेरे बाल इस टाइम नॉर्मल कंडीशन में चल रहे हैं, आप जरूर बताइएगा विंटर आने से पहले आपके बाल कैसे हो गए हैं। जल्दी से टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में और शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे, जिससे वो भी इसका पूरा पूरा फायदा ले सके। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, जिससे कि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज आप मिस ना कर सके। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, रेड बटन हिट कर दो और बेल आइकन आ रहा है उसको भी क्लिक करना मत भूलना। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।